नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। खबर खंडवा से आ रही है, जहां पर नगर के मिलनसार हसमुख पत्रकार फरीद मंसूरी एवं अनिल सारसर की माताश्री के आकस्मिक निधन पर मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ द्वारा जिलाध्यक्ष श्याम शुक्ला की अध्यक्षता में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गयी। यह जानकारी देते हुए संघ जिला प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पारासर ने इसे पत्रकार जगत की क्षति बताते हुए कहा कि फरीद भाई समाज सेवी में भी सक्रिय भूमिका निभाते रखे है। इस दौरान संरक्षक संदीप चौबे, राजेंद्र परासर, श्याम शुक्ला, रवि जायसवाल, पंकज लाड, गोपाल गीते, मनीष गुप्ता, राजेश तेजी, नदीम रायल, द्वारका प्रसाद पाठक, शेख शकील, लोकेश पचोरी सहित आदि पत्रकार साथी उपस्थित रहे हैं और इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण कर पुष्पांजलि अर्पित की गयी है। जयसवाल जी दिख रहे हैं और पारासर दिख रहे हैं, ना 4-8 जने इधर पूरा दिख रहा है। ये देखो, आज का ये आयोजन किस कारण से रखा गया था और क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में? पत्रकार साथी फरीद मंसूरी का दुखद निधन हो जाने के उससे पत्रकार जगत में शोक की लहर है। सभी साथी इससे बहुत उद्वेलित महसूस कर रहे थे और मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ के तत्वावधान में स्वर्गीय फरीद मंसूरी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही वरिष्ठ साथी अनिल सारसा जी की माता जी का भी देवलोक गमन हो गया, तो उनको भी सभी पत्रकार साथियों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। खंडवा पत्रकार जगत की एक अपूर्ण क्षति और उस क्षति पर खंडवा के सभी पत्रकार साथी, मध्य प्रदेश मीडिया संघ, खंडवा पत्रकार संघ और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, साथ ही निमाड श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आज एक ही स्थान पर उपस्थित हुए और स्वर्गीय पत्रकार साथी को श्रद्धासुमन मौन के रूप में अर्पित किया। इसके अलावा एक और साथी की माता जी के देहांत पर भी शोक व्यक्त किया गया। खंडवा में पत्रकारों की एकता का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है और पत्रकार जगत के आज के इस कार्यक्रम की सर्वत्र सारे पत्रकार साथी भूरी भूरी सराहना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों अध्यक्ष सभी पत्रकार साथियों को साथ में लेकर चलें। खंडवा से वहीद खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।